सब्सक्राइब कीजिए ट्विंटर वो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बात करें 2020 में लगभग 30 गाड़ियां ऐसे हैं जो कि 10 लाख के अंदर लॉन्च होने वाला है। जी हां, 2020 में लगभग 30 गाड़ियां 10 लाख के अंदर लॉन्च होने वाला है। मैं इसी महीने से लेकर दिसंबर तक के आपको बताऊंगा कौन से को जो गाड़ियां हैं जो कि लॉन्च हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं 2020 में कौन से ऐसे गाड़ियां हैं जो कि 10 लाख के अंदर लॉन्च हो जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं मार्च महीने में कौन से गाड़ियां पहले मार्च 17 को यानी कि 17th ऑफ मार्च को लॉन्च हो रहा है ह्यूंडई की क्रेटा 2020 जो कि एक नए जनरेशन मॉडल है। हालांकि ये काफी बेहतरीन है, 10 लाख से इसकी प्राइस रेंज शुरू हो सकता है। उसके बाद फोर्स अपने गुरखा को लॉन्च कर रहा है इसी महीने में, मार्च के ही महीने में 2020 गुरखा आपको लॉन्च हो जाएगा और इसकी प्राइस रेंज भी 10 लाख से शुरू हो सकता है। अगर बात करें ह्यूंडई ग्रैंड i10 नियोस CNG में भी लॉन्च हो सकता है जिसकी प्राइस रेंज 6.46 लाख हो सकता है और ये भी इसी महीने यानी कि मार्च में लॉन्च हो जाएगा। रेनल्ड अपनी ट्राइवर की AMT यानी कि ऑटोमेटिक मॉडल को लॉन्च कर रहा है जिसकी प्राइस रेंज 7 लाख रुपीस हो सकता है, मार्च में ही लॉन्च हो जाएगा। मारुति सुजुकी की एस क्रॉस जो कि पेट्रोल में लॉन्च होने वाला है जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको मिल जाएगा, ये भी आपको इसी महीने में मिल जाएगा जिसकी प्राइस रेंज 9 लाख रुपीस हो सकता है। उसके बाद बात करें अप्रैल में भी 5 गाड़ियां लॉन्च होने वाला है। महिंद्रा अपनी थार की 2020 मॉडल को लॉन्च कर रहा है जिसकी प्राइस रेंज 10 लाख से शुरू हो सकता है। महिंद्रा अपनी EKUV 100 यानी कि KUV 100 को इलेक्ट्रिक वेरिएंट आपको लॉन्च हो जाएगा जिसकी प्राइस रेंज 8.25 लाख से शुरू हो सकता है, ये अप्रैल में आपको मिल जाएगा। अगर बात करें रेनॉल्ट अपनी एक नई गाड़ी आर्काना को लॉन्च करने के लिए जा रहा है जो कि काफी बेहतरीन होने वाला है, एक सेडान है। हालांकि ये आपको 10 लाख रुपए से शुरू हो सकता है, काफी प्रीमियम गाड़ी होने वाला है जो कि होंडा सिटी होंडा वर्ना को टक्कर दे देगी। अगर बात करें होंडा अपनी होंडा सिटी 2020 को लॉन्च करने वाला है अप्रैल में, सुनने को तो यही मिल रहा है जिसकी प्राइस रेंज 10 लाख से शुरू हो सकता है। हो सकता है होंडा सिटी की प्राइस रेंज 8 से 10 लाख से अंदर ही शुरू हो जाए। ये भी मिल रहा है होंडा अपने WRV को भी लॉन्च कर रहा है 2020 मॉडल जो कि अप्रैल में भी लॉन्च हो जाएगा जिसकी प्राइस रेंज सुनने को मिल रहा है 8 लाख से शुरू हो सकता है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV है, इसकी कोई नए जनरेशन मॉडल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, तो हो सकता है ये अप्रैल में लॉन्च हो जाए। मैं मारुति सुजुकी अपनी डिजायर की 2020 मॉडल को लॉन्च करने की सोच रहा है, सुनने को तो यही मिला है। मई के महीने में मारुति सुजुकी अपने डिजायर यानी कि कॉम्पैक्ट सेडान को 2020 मॉडल में लॉन्च करने वाला है। हो सकता है इसकी एक फैसिलिटी रहे यानी कि इसमें थोड़े थोड़े कॉस्मेटिक्स और फीचर्स में चेंजेस आपको मिल सकता है। जून के महीने में किया अपने स्टॉनिक को लॉन्च कर रहा है, ये एक प्रीमियम हैचबैक है जो कि आपको 9 लाख रुपए से शुरू हो सकता है। इसकी प्राइस रेंज काफी बेहतरीन होने वाला है, ये सीधे सीधे टक्कर देगी ह्यूंडई i20 बलेनो जैसी गाड़ियों को। उसके बाद बात करें अगस्त के महीने की, अगस्त में ह्यूंडई अपने i20 मॉडल यानी नेक्स्ट जनरेशन i20 को लॉन्च करने वाला है। हो सकता है लॉन्च भी हो जाए, वायरस की वजह से थोड़ा डिले भी हो जाए, लेकिन प्लानिंग तो अगस्त में ही है। तो ये गाड़ी आपको 5.6 लाख से इसकी प्राइस रेंज शुरू हो सकता है। ये एक प्रीमियम हैचबैक है जो कि काफी बेहतरीन लुक्स के साथ आने वाला है, उसके ऊपर हम भी एक वीडियो बनाए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगस्त के महीने में किया भी अपने कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च कर रहा है सोनेट के नाम से जो कि काफी बेहतरीन होने वाला है, जो कि काफी सारे फीचर्स से लोडेड होगा, काफी बेहतरीन ये होने वाला है। 7 लाख रुपीस से इसकी प्राइस रेंज शुरू होने वाला है। महिंद्रा अपनी रूरल SUV बलेरो KUV लॉन्च कर रहा है, 2020 मॉडल बलेरो लॉन्च हो रहा है अगस्त में जो कि 2020 मॉडल है उसका, और इसके प्राइस में 8.3 लाख से शुरू हो सकता है। अगर बात करें अगस्त में टाटा अपने टियागो की इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लॉन्च करा सकता है जिसकी प्राइस रेंज लगभग 6 लाख रुपए से शुरू हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक भी आने वाला है इसी साल। अगर बात करें सितंबर में रेनॉल्ट अपने HBC नाम के एक कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च करने वाला है जो कि काफी बेहतरीन होगा जिसकी प्राइस रेंज 9 लाख रुपीस। साल भी अपने कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च करने वाला है जिसको एक कोड नेम है EM2 के नाम से, ये भी इसकी प्राइस रेंज लगभग 7 लाख रुपीस से शुरू हो सकता है जो कि काफी बेहतरीन होने वाला है। वही सितंबर में मारुति सुजुकी अपने XL5 के नाम से एक हैचबैक को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है।
हो सकता है ये 2020 वैगनार हो या एक नया कुछ हैचबैक जो कि मारुति सुजुकी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। इसकी प्राइस रेंज 5 लाख से शुरू हो सकता है। उसके साथ साथ होंडा भी सितंबर में एक वेजल के नाम से क्रॉसओवर लॉन्च करने जा रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। 10 लाख रुपए से इसकी प्राइस रेंज शुरू हो सकता है। उसके बाद अक्टूबर में किया अपने सोल एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करने जा रहा है जो कि 10 लाख रुपए से इसके प्राइस रेंज शुरू हो सकता है। हो सकता है टाटा अपनी HBX मिनी एसयूवी को लॉन्च कर सकता है इसी अक्टूबर के महीने में, या हो सकता है डिले हो सकता है, लेकिन सुनने को मिल रहा है अक्टूबर में टाटा इसको लॉन्च कर सकता है। इसकी प्राइस रेंज 5 लाख रुपए से शुरू हो जाएगा। ये एक मिनी एसयूवी है जो कि काफी दिनों से लोग इसे वेट कर रहे हैं। उसके बाद नवंबर पे किया अपने प्रीमियम हैचबैक किया सीड को लॉन्च करने वाला है जिसकी प्राइस रेंज 9 लाख रुपए से शुरू हो सकता है। उसके साथ साथ नवंबर पे निसान भी अपने सनी 2020 यानी कि ये प्रीमियम सेडान है इसको भी लॉन्च करने वाला है जो कि इसकी प्राइस रेंज 8.55 लाख से शुरू हो सकता है। अगर बात करें मारुति सुजुकी अपने इग्निस को भी 2020 मॉडल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन इग्निस को लॉन्च कर सकता है इसी महीने में यानी कि नवंबर के महीने में 2020 पे। इसकी प्राइस रेंज लगभग 5 लाख से शुरू होगा। ये एक हैचबैक है। बात करें दिसंबर में काफ़ी सारे लॉन्चेस है जैसे कि होंडा अपनी ब्रियो स्मॉल हैचबैक को लॉन्च करने वाला है 2020 मॉडल जो कि 5 लाख से इसकी प्राइस रेंज शुरू हो जाएगा। महिंद्रा एक्सयूवी 500 2020 आपको मिल सकता है इसी साल जिसकी प्राइस रेंज 9.5 लाख से शुरू हो सकता है जो कि 7 सीटर एसयूवी है जो कि महिंद्रा की काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। उसके साथ साथ स्कोडा भी अपनी कामिक को भी लॉन्च कर रहा है जिसकी प्राइस रेंज 10 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। ये एक 5 सीटर एसयूवी है जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा, काफ़ी बड़ी टक्कर दे देगा इस सेगमेंट की जितने सारे गाड़ियां हैं। उसके साथ साथ मारुति अपनी स्विफ्ट की हाइब्रिड को भी लॉन्च करने जा रहा है जिसकी प्राइस रेंज 10 लाख रुपए से शुरू हो सकता है। ये एक हैचबैक है, दिखने में काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आता है और इसके हाइब्रिड वेरियंट भी आने वाला है इसी साल। अगर बात करें मारुति सुजुकी वैगनआर की इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी लॉन्च हो सकता है इसी साल 8 से 10 लाख रुपए से इसका प्राइस रेंज शुरू हो सकता है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको 250 से 300 किलोमीटर का रेंज देने वाला है। सुनने को तो यही मिल रहा है लेकिन ये गाड़ी इसी साल हो सकता है, लॉन्च हो सकता है। तो ये था पूरा डिटेल्स जो कि लगभग 30 गाड़ियाँ ऐसे हैं जो कि इसी साल लॉन्च होने वाले हैं। इनमें से कौन से गाड़ी के लिए आप वेट कर रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है प्लीज़ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहता है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।